सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से सलमान खुसरो की आर्टवर्क लेकर हाजिर हैं आपके सामने। और ये कुछ उनके आर्टवर्क हैं जिनमें वो मैकेनिक चीज़ें जैसे रोबोट रोबोट वाला फील भी लाते हैं। और मतलब मैं खुद हैरान हो गया था जब इनके मैंने काम देखे थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर करी जाए, आप लोगों को भी दिखाया जाए, क्योंकि कई लोग शायद इनको ना जानते हों। तो मैंने कहा कि चलो जो नहीं जानता वो भी जान जाएगा इनको। अगर आपको इनका काम अच्छा लगे तो आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, देख लेना आप उनकी आईडी। और बाकी यार, इनके काम के बारे में बात करें तो मुझे तो बहुत अच्छा इनका काम लगा। बाकी इनकी स्टडी की बात तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको कि इन्होंने डिजिटल आर्ट की स्टडी करी हुई है, डिग्री करी हुई है। बट डिजिटल आर्ट की डिग्री करने के बाद देखिए आप कि ये पर्सन जो है, इन्होंने स्कल्पचर्स भी बनाते हैं, ये स्कल्पचर्स बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। और ये जो काम है ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है, मतलब एक अलग ही लेवल का काम है ये। और ये ना सबसे डिफ़िकल्ट काम है, मतलब जितना आसान दिख रहा है ना ये, उतना ही डिफ़िकल्ट है ये करने में। और ये सारा जो इन्होंने करा हुआ है वायर के साथ करा हुआ है, जो हम घर में अपने वायर डालते हैं बिजली वाली, तो उनको यूज़ करके इन्होंने ये एक आर्टवर्क बनाया है। मतलब इसका जो इनको जो अब एक दूसरे के साथ ही बाइंड करा हुआ है, ये बड़ा वो डिफ़िकल्ट काम है, पर फिर भी इन्होंने करा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने इनको बनाया है। और ये कुछ इनकी वीडियोस हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कि इन्होंने कैसे कैसे इनको बनाने में अपना मतलब अपना जो भी इन्होंने टाइम दिया है इनको, इस स्कल्पचर को। सो गाइस ये देखिए, मतलब ये हिल रहा है अभी, तो मतलब ऐसे हिल रहा है जैसे कि हाँ ये अपने आप सर हिला रहा होता है कोई इंसान, है ना। तो ये अच्छी चीज़ है, ये मतलब एक अलग चीज़, क्रिएटिव चीज़ है ना। बाकी यहाँ इंडिया में हमारे पता नहीं कोई ऐसे कुछ कर रहा है कि नहीं कर रहा। बाकी ये फॉरेन का आर्टिस्ट है और ये इसने अच्छा काम करा है, मतलब मुझे बहुत पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा इसका काम। और इसको ना ये जो तीखे कलर होते हैं ना, डायरेक्ट कलर होते हैं जैसे ये येलो, रेड, ब्लू, वाइट, और इसको ना बहुत पसंद है ऐसे कलर। इसकी जब आप प्रोफाइल खोलोगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि इसको कलरफुल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप देखेंगे कि ये भी इन्होंने एक मतलब ह्यूमन भी बनाया है पूरा, है ना, मतलब मस्कुलर बनाया है इन्होंने, मतलब बड़े अच्छे तरीके से इसको दिखाने की कोशिश करी है इन्होंने, है ना। तो बात ये है कि देखो, हर बंदा अपने काम को लेकर एक मन से काम करता है तब जाके उसका काम अच्छा होता है। तो इसने बहुत सारी मेहनत करी होगी, जो अब हम इनका काम देख रहे हैं, तो इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी होगी, उसके बाद ये रिजल्ट इनको अच्छे मिले होंगे। हाँ कई बार होता है कि हम लोग हार भी मान जाते हैं कि नहीं यार मेरे से नहीं हो रहा, शायद मैं नहीं कर पाऊँगा, शायद हुआ हो इनके साथ भी ऐसा, पर मतलब दिख रही है कि इन्होंने बहुत सारी मेहनत करी है, तो उसके बाद इनका आज काम है, इनका इतना अच्छा काम है कि हम लोग इनसे मतलब देखते काम को हैरान होते हैं ना। तो आप देख सकते हो कि एक वायर को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, इन्होंने कितनी सारी वायर को आपस में जोड़ा, फिर उनको एक दूसरे के साथ बाइंड करा है, बड़े अच्छे तरीके से बाइंड करा है। और मतलब मस्कुलर ह्यूमन बनाना बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने बनाया है। और ये एक इन्होंने शायद मुझे लड़की बनाने की कोशिश करी है, और उसके बाद भी अच्छी लगी है ना। और बहुत अच्छा स्कल्पचर है ये वाला भी, लड़की का फेस देखिए कितना अच्छा है ना, और ऊपर से उसके बाल जो बनाए हैं उन्होंने बहुत अच्छे बनाए हैं इन्होंने। और बाकी आप इनको देखना, इनके काम देखना कैसे कैसे करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप अगर स्कल्पचर फील्ड के हैं तो आपको ये चीज़ इंटरेस्टिंग लगेगी, आपको देखने में अच्छा लगेगा और एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी आपको, है ना। जैसे मैं खुद स्कल्पचर का फील्ड से बैकग्राउंड मेरा स्कल्पचर का है, मेरे स्पेशलाइजेशन भी करी है स्कल्पचर की करी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख। बाकी पेंटिंग वाले जो लोग हैं उनको भी
देखते हैं कि काम कैसे लगे आपको, भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये आप देखना एक अपनी सीरियल जो इन्होंने बनाया था कैसा है और कैसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। मेरा भी मन है कि करूँ शायद ऐसा कुछ करके देखेंगे कभी, है ना। बट ये है कि थोड़ा इसमें पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा हम भी नीचे ऐसा कुछ रोबोटिक टाइप चीज़ लगाते हैं तो मुझे नहीं लगता ये बहुत सस्ता होगा, ये बहुत महंगी चीज़ होगी। ये है कि जो अफोर्ड कर पाएगा वो कर सकता है, बट ये है कि जो नहीं अफोर्ड कर पाता वो नहीं कर सकता। हर पर्सन ऐसी चीज़ें नहीं बना सकता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी सबका मतलब यही होता है कि चलो मुश्किल ही चल रहा होता है सबका, है ना। बट फिर भी कोई नहीं, जब भी कभी मौका मिले किसी को तो ज़रूर बना के देखना, ऐसा कुछ करने की कोशिश करना। और बाकी वो इनकी शायद कुछ पीछे पेंटिंग्स भी लगी हुई है, अच्छी पेंटिंग्स करते हैं ये लोग, है ना। और बाकी ठीक है, आप लोग देखिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया लेकर आएंगे, ठीक है। और देखिए चाय की चुस्की ले रहे हैं ये लोग, हम भी पीते हैं चाय। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर देना, अगर लगे कि किसी और को भी देखनी चाहिए तो शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।